चीन में अनिश्चितता और अमेरिका के फेडरल बैंक के बदलते रुख को देखते हुए दीपावली पर सोने की चमक बढ़ सकती है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण की दरों में हो रही कमी से भी दुकान और शोरूम में जाकर सोने की खरीदारी करने में तेजी की उम्मीद की जा रही है। भारत के ज्वेलर्स को भी दीपावली पर सोने की बिक्री की पूरी पूरी उम्मीद है और वे इसकी तैयारी पिछले 3 महीनों से कर भी रहे हैं। वहीं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई सितंबर में भारत में 139.1 टन सोने का आयात किया गया, जबकि पिछले साल की समान अवधि में सिर्फ 94.6 टन सोने का आयात किया गया है। काउंसिल के मुताबिक इस साल आयात होने वाले 139.1 टन सोने में से 96.2 टन सोने का इस्तेमाल ज्वेलरी निर्माण में किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 58% अधिक है। वहीं मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में फिर से कोरोना के बढ़ते मामलों से शहरों में हो रहे लॉकडाउन, कई प्रांतों में बिजली संकट और उत्पादन में कटौती से चीन में अनिश्चितता का माहौल बनता दिख रहा है, जिससे दुनिया के बाजार प्रभावित हो सकते हैं। वहीं अमेरिकी फेड की अगली बैठक में बड़े पैमाने पर बॉन्ड खरीद कार्यक्रम को घटाए जाने की उम्मीदें बढ़ रही हैं, जिसे फेड ने कोरोना की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए शुरू किया था। वहीं पेट्रोलियम पदार्थों के साथ अन्य कच्चे माल की कीमतों में तेजी से दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, जिससे ब्याज दरों में बदलाव के आसार बन गए हैं। इन कारणों से सोने की खरीदारी का माहौल बन सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसी स्थिति में बाजार में मामूली उथल पुथल पर भी सोने की तरफ निवेशकों का आकर्षण बढ़ सकता है। मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सब के बावजूद सोने के भाव में फिलहाल कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिख रही है और रिपोर्ट में अगले एक साल में सोने के भाव को 52,000 से 53,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की संभावना जाहिर भी की गई है। फिलहाल सोने का भाव 49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है और देखा जाए तो पिछले साल दीपावली के दौरान सोने में निवेश करने वालों को मामूली घाटा उठाना पड़ा, क्योंकि पिछले साल दीपावली के आसपास सोने की कीमत 50,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास थी। वर्ष 2019 में सोने की कीमतों में वर्ष 2018 के मुकाबले 40% तक का उछाल आया था, तो 2020 में सोने के भाव में वर्ष 2019 के मुकाबले लगभग 25% की तेजी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स।